हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एहतियात बरतने की आवश्यकता है ताकि इससे बचा जा सके। ये बात आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में अभी तक 270 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं और अभी करीब 50 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अस्पताल के ई ब्लॉक में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है और अस्पताल प्रबंधन द्वारा हर सुविधाएं इन मरीजों को दी जा रही हैं। इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो इसलिए हमारे जीवन का भी अभिन्न अंग इस वक्त ये बना हुआ है। हमें एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। रियायतें सरकार के द्वारा दी गई हैं जरूरी कामों के लिए, कोरोना की तरफ से कोई रियायत नहीं। तो रही बात नंबर संख्या की, तो संख्या जो है वो प्रतिदिन बढ़ रही है। अभी आने वाले कुछ दिनों में और इस तरह की जो संख्या में बढ़ोतरी है वो देखने को मिल सकती है। अगर आज तक की बात करें तो हमारे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में अभी तक 270 के करीब करीब लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव के लिए यहाँ पर इलाज हेतु आ चुके हैं, जिनमें अधिकतर वह लोग थे जो प्रदेश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से गंभीर बीमारियों के चलते रेफर हुए और इलाज के दौरान या यहाँ पर पहुँचते ही कुछ लोगों की मृत्यु हुई, जो जिनका संख्या जो है वो 32 लोग ऐसे थे जो इलाज के दौरान जिनकी हम जान नहीं बचा पाए। और एक सबसे जो इस बीमारी की एक बीमारी की बात मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। अमूमन आप सब लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब भी कोई व्यक्ति भर्ती होता है तो उसके साथ उसके परिवार के लोग, तीमारदार वो लोग भी उसके साथ रहते हैं, उसकी वो देखभाल करने में भी वो लोग सम्मिलित रहते हैं और हमारे स्टाफ मेंबर्स भी उस लगातार उन पर निगरानी करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और इस बीमारी की एक विचित्र स्थिति ये है कि जब जो कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी देखभाल में जो लोग लगते हैं वो एक तो उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनना पड़ता है, जिसको पीपीई किट पहन बोलते हैं, इसको आप लोगों के बारे में आप लोगों को भी जानकारी है। और परिवार के सदस्य अक्सर कई बार ये बोलते हैं कि हमें भी अंदर जाना है, हमें भी मरीज को देखना है। जब तक वो लोग नेगेटिव हैं हम उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि ये बीमारी की रोकथाम के लिए ये जरूरी है। क्योंकि अगर वो संक्रमित होते हैं तो एक तो उनकी जान का भी खतरा बढ़ता है और जो है वो बाहर आने की फिर उनकी स्थिति जो है वो लगभग कई दिनों तक उनको हम बाहर नहीं ला सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।